नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। जो कोर्ट में था, सबसे पहला तो मैं अप मीडिया को धन्यवाद दूंगा। आज मीडिया था बोल के मेरा बरी हुआ, मीडिया का बदौलत आज मैं निकला हूँ। आज मीडिया था बोल के आज पासंगला फिर वापस लौटा आप लोग के बीच में, और मैं थैंक यू जनाऊंगा। मैं INGB को भी, INGB भी मेरे लिए बहुत लड़ा है, थैंक यू जनाऊंगा। मैं कोर्ट न्यायपालिका को, कोर्ट को थैंक यू जनाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को। मैं यही कहूंगा, जब मैं होने के बाद में मैंने उस टाइम में जब रोते हुए कहा था दीदी आई लव यू, मैं उनका सैनिक था, उन्होंने मुझे एक दीदी के बोलो छोटे से जगह से उठा के मुझे बहुत बड़ा पद दिया था, इसीलिए मैं उनका ऋणी था, हमेशा रहूँगा। लेकिन उस टाइम मेरा ही मन हताश हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे किसी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उस दिन मैं कोलकाता जा रहा था तो देखा मुझे रोका गया, तो मैं अपने आप सिलेंडर हुआ, लेकिन इन्होंने दिखाया कि मुझे अरेस्ट किया गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए यही पासंग लामा है, इससे पहले ही बहुत केस हुआ, हम लोग ने इंटरसेप्टिव बिल लिया है। 438 देखे इंटरसेप्ट बिल लेना मुझे भी आता, लेकिन मैंने दीदी का बात को रखते हुए मैं सिलेंडर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मेरा बात कोई तक पहुँचाया नहीं। मैं यही कहूँगा जिसके ऊपर मुझे भरोसा था, वक्त ऐसे भी आता है अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, वो वाला सिस्टम मेरे ऊपर हुआ, किसी ने मेरा बात वहाँ नहीं पहुँचाया। मैं इस पर थैंक यू धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो मेरा ब्लाइंड सपोर्टर है, मेरे अनुगामी हैं, साथ में जो मेरा सपोर्टर है, जिस तरह मेरा बॉन इंदु सिंह राय, मैं धन्यवाद दूंगा प्रमोद अग्रवाल, मेरा मिसेज, मेरा फैमिली को, प्रत्येक मेरा जितना भी मेरे सपोर्टर गण है, सुमित गोयल से लेकर सभी को टचर हुआ है। तो आपको मालूम उनका बदल दिया, आज मैं हरिया हूँ। और मैं यही कहूँगा दीदी को, प्लीज़ दीदी अभिषेक, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसका CID तदंत हो और CID तदंत होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो। आगामी दिनों में क्या परिकल्पना है? आगामी दिनों में जब भी अभिषेक जी को और दीदी को हमारा मैंने जरूरत महसूस होगा, हमें बुलाएगा, हम लोग निश्चय आएंगे। और आशा करता हूँ कि आगामी दिन में हम लोग संगठित होके एक झंडा के तले हम लोग काम करेंगे। और कुछ मुझे 2-3 महीना कम से कम मुझे भी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी भी मेरा जान पे खतरा है। जिस वीडियो जिस पसंद बर्मन ने मुझे फंसाया है वो तो मुझे मरवा भी सकता है, तो मुझे कितना कानूनी कार्रवाई मुझे करना है, तो कुछ दिन के लिए करूँगा, उसके बाद में मैं कोलकाता जाऊँगा, मेरे युवराज से मिलूँगा, दीदी से मिलूँगा, उसके बाद ही कुछ कार्यक्रम में आगे बोलूँगा। नारी शक्ति युवा शक्ति। किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, लास्ट कॉर्नर MG रोड, जयगांव।